लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब बटन के बराबर में घंटी वाला बेल वाला आइकॉन दबाकर ओके दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। गली गली तेरी लाज जली, जियो रे बाहुबली। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान की फिल्म दंगल और प्रभास स्टारर बाहुबली 2 अब तक की सबसे बड़ी फिल्में मानी जा रही हैं। दोनों ही फिल्मों के कंटेंट ने दर्शकों के दिलो दिमाग में असर छोड़ा है। कमाई के मामले में भी दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। दीपक जलता है क्या लेकिन कमाई के मामले में दंगल में कौन सी फिल्म जीतने वाली है, ये देखना दिलचस्प है। बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों को लेकर दोनों फिल्मों में कांटे की टक्कर चल रही है। दोनों ही फिल्में हिंदी सिनेमा के इतिहास के कई रिकॉर्ड तोड़ चुकी हैं। अभी तक आमिर की फिल्म दंगल ही बाहुबली 2 के मुकाबले बढ़त बनाए हुए है। लेकिन अब इस मुकाबले में दिलचस्प मोड़ आने वाला है। खबरों की माने तो बाहुबली मेकर्स फिल्म को चीन में रिलीज करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और फिल्म को जल्द ही 6000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया जाएगा। दरअसल दोनों ही फिल्में 2000 करोड़ के आंकड़े के बेहद करीब हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस नंबर गेम में कौन विनर होगा। दंगल में आमिर खान ने हरियाणा के रेसलर महावीर सिंह फोगाट का किरदार निभाया है। एसएस राजमौली के निर्देशन में बनी बाहुबली में प्रभास के अलावा राणा दग्गुबाती, अनुष्का शेट्टी, तमन्ना भाटिया, सत्यराज और राम्या कृष्णन मुख्य भूमिका में हैं। फ्रेंड्स, हमारे चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कीमती सुझाव हम तक पहुंचाएं। धन्यवाद।